हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंप्लीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे डेली बेसिस पर PSTET और CTET की प्रेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स, CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, EVS मैथ साइंस सोशल साइंस सभी टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स चैनल पर अवेलेबल हैं, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी वाज गिवन बाय। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? फॉर ऑप्शंस ने और जो राइट ऑप्शन है वह है प्याजे। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का सिद्धांत जीन प्याजे द्वारा दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, यह ऑल ओवर इंडिया हर टेट एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। यह एक स्टडी है जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति की डेवलपमेंट में जीन्स का कितना रोल रहता है। इसमें देखा जाता है कि जो गुण व्यक्ति को उसके माता पिता से मिलते हैं वह उसको कितना इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेट थ्योरीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो ट्रेट थ्योरी है वह किससे रिलेटेड है? फॉर ऑप्शंस ने इंटेलिजेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी। और जो ट्रेड थ्योरी है यह पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। और जो ट्रेड्स है या पर्सनैलिटी में पाए जाने वाले गुणों को कहा जाता है। इसमें आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, वह भी बार बार रिपीट होता है। वह क्वेश्चन है 16 PF फैक्टर। पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर दिए गए हैं और पूछा जाता है कि 16 फैक्टर किसके द्वारा दिए गए। और पर्सनैलिटी के जो 16 फैक्टर हैं वह रेमंड बी कैटल द्वारा दिए गए हैं। रेमंड बी कैटल, इन्हीं के द्वारा ही पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर दिए गए हैं। और जो पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर है यह एक सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी के जो 16 फैक्टर का टेस्ट है वह एक सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्फेले कॉर्डर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डिवेलपमेंट। फॉर ऑप्शंस ने जी, एंड जो राइट आंसर है वह है डिवेलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। जो विकास है सिर से पैरों की ओर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। स्फेले कॉर्डर प्रिंसिपल इज डिवेलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर भी पूछ लिया जाता है। ब्रेन हैड डेवलप कोऑर्डिनेशन अर्लियर देन आर्म्स एंड लेग्स। हेड इज लार्जर रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ बॉडी आर एग्जांपल्स ऑफ विच ट्रेंड ऑफ ग्रोथ। तो इसका भी आंसर है स्फेलोकॉर्डल ट्रेंड। थोड़ा मोल्ड कर पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिवेलपमेंट लेवल एंड द पोटेंशियल डिवेलपमेंट लेवल ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज द जोन ऑफ। फॉर ऑप्शंस ने जी, और जो राइट ऑप्शन है वह है प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट। जोन ऑफ, प्रॉक्सिमल, डिवेलपमेंट जिसे ZPD भी बोला जाता है, यह वैकॉर्सी के द्वारा दिया गया है। इसमें बताया गया कि डेवलपमेंट का पूरा जोन होता है और उसी में ही एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। यदि आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर सभी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज और उनके आइडियाज डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। उन वीडियोज को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रेफर्स टू। फॉर ऑप्शंस ने जी, और जो राइट ऑप्शन है वह है गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स। जो स्कैफोल्डिंग है जैवी वैगॉर्सी के द्वारा दी गई है। वैगॉर्सी के द्वारा इसको दिया गया है। और यह ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और यह लर्निंग में दूसरों के द्वारा दिए जाने वाली हेल्प है। नेक्स्ट, जैसा कि हर वीडियो में हम आपकी पार्टिसिपेशन के लिए एक क्वेश्चन रखते हैं, और आज का आपके लिए क्वेश्चन है द एजुकेशन दैट चाइल्ड रिसीव इन फैमिली इज।
4 options are formal, informal, non-formal, semi-formal. आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू जी।